इराक में हुए मिसाइल हमले पर यह लेटेस्ट खुलासा हुआ है। ईरान के तबरीज मिसाइल बेस से हमले की आशंका जताई जा रही है। इरबिल से 182 किलोमीटर दूर है ईरान का तबरीज शहर। तो इरबिल में ये जो अटैक हुआ है अमेरिकी कॉन्सुलेट पर, इसकी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले TV9 भारतवर्ष ने यह खबर ब्रेक की थी और इस वक्त लेटेस्ट अपडेट ये आ रही है कि इराक में हुए मिसाइल हमले पर यह लेटेस्ट खुलासा हुआ है कि ईरान के तबरीज मिसाइल बेस से यह हमला होने की आशंका जताई जा रही है। और मनीष झा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। मनीष, ये बताइए कि एक तरफ अखाड़ा हम यूक्रेन को बनता हुआ देख रहे हैं, क्योंकि World War III की इन तमाम संभावनाओं का जब जिक्र किया जाता है तो वो तमाम संभावनाएं आशंकाएं क्या और ज्यादा प्रबल होती हुई नजर आ रही हैं। एक अखाड़ा हमें यूक्रेन बनता हुआ नजर दिखाई दे रहा है और यूरोप में मची हुई है उथल पुथल और अब मिडिल ईस्ट में ये बवाल, क्या दो अखाड़े बन गए हैं क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, अब तक अगर हम लोग World War III की बात करते थे तो लगता था कि दुनिया भर की मीडिया ये चर्चा करती है, बट अब तो प्रेसिडेंट बाइडेन भी बोलने लगे हैं। और जब प्रेसिडेंट बाइडेन बोलने लगे हैं तो सीधा सा असर इसका हम सबको ये देखने को मिल रहा है कि यूक्रेन के बाद अब एक और नया वॉर जोन यहाँ क्रिएट हो सकता है। हालांकि अभी ना हो ये जरूरी नहीं है कि आज हो जाए कल हो जाए, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर कभी भी जो चिंगारी है वो बड़े रूप में दिखाई दे सकती है। और उसका सीधा सीधा प्रमाण यही है कि ड्रोन अटैक से अब वो लोग आगे बढ़कर मिसाइल अटैक तक पहुंच चुके हैं और जो उस मिसाइल की क्षमता है तो उस हिसाब से जिस दिन ईरान ये चाहेगा कि नहीं हम सीधे एम्बेसी पर अटैक करें, हम वहां के जो अमेरिकन बेस है उसको तबाह कर दें, उसके बाद तो निश्चित तौर पर फिर जंग करनी ही होगी। आज भले ही मकसद कुछ और हो, मैसेज कुछ और हो, लेकिन मनीष जरा ये भी समझाइए। देखिए, बार बार बड़ा सवाल यही है कि क्या ये विश्व युद्ध की शुरुआत है और बार बार टाइमिंग को लेकर बात हो रही है। ये जो इस वक्त समय चुना गया इस मिसाइल अटैक के लिए, 12 मिसाइलें दागी गई, क्या ये बहुत सोच समझ के इस समय ये हमला करने की कोशिश की गई है? और दूसरा, आप ये भी कन्फर्म कीजिए कि लगातार जो कन्फर्मेशन आ रही है वो इराक की तरफ से आ रही है, क्या अमेरिका की तरफ से भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक इस हमले को लेकर आई है? आधिकारिक तौर पर क्या कह रहा है अमेरिका? देखिए, आधिकारिक तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से यह कहा गया है कि अभी उनके किसी व्यक्ति के मारे जाने की कोई अभी तक उनकी तरफ से उनका कोई आदमी नहीं मारा गया है। लेकिन उन्होंने ये बात डिनाई नहीं किया कि क्या कोई सिविलियन मरा है कि नहीं या फिर इराकी लोग मरे हैं कि नहीं, क्योंकि अमेरिकन नहीं मारा गया ये केवल बताया गया है। दूसरी बात कहा गया कि इराक की सरकार इसकी जांच कर रही है। अब देखिए, वो एक ऐसा इलाका है जहां कि में अगर आप कहें तो चप्पा चप्पा अमेरिका के कंट्रोल में है, तो अमेरिकी सरकार अपने बयानों के जरिए इस मामले को लोकल रखना चाहते हैं, इस मामले को इराक तक सीमित रखना चाहते हैं। वो इसको अमेरिका पर हमला बताने की जगह एक ऐसी घटना बताने की कोशिश में है। क्या वजह इसके पीछे की? देखिए, उसकी वजह ये हो सकती है कि अमेरिका फिलहाल उस इलाके में एस्केलेट करने के लिए मूड में नहीं है और शायद इसीलिए वो रिटेलिएट नहीं करने की कोशिश करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि यूक्रेन से ठीक है। लेकिन देखना होगा कि अमेरिका किस तरह से यहाँ पर जवाब देता है। जीजी द्विवेदी सर, आपसे मेरा सवाल ये है कि देखिए, जब जनरल कासिम सुलेमानी की एयर स्ट्राइक में मौत हुई थी, इसके बाद भी ड्रोन अटैक किया गया था, लेकिन उस वक्त के हालात और आज के हालात में जमीन आसमान का फर्क साफ नजर आता है। और एक और पॉइंट ये कि अगर रशियन इन्वॉल्वमेंट इस 12 मिसाइलों के अटैक में नजर आता है तो क्या तब भी अमेरिका शांत बैठेगा? क्योंकि अगर अमेरिका यहां पर शांत बैठा तो डर इस बात का होगा कि वर्ल्ड मैसेज वहां से क्या निकलता आएगा अमेरिका की तरफ से। बिल्कुल सुमित, दो हालात अभी बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि जो यूक्रेन में युद्ध चल रहा है इसका काफी अंजाम है और ये जो हमला हुआ है, देखो, इस काफी सोच विचार के साथ हुआ है, ऐसे नहीं कि ये एकदम ही कोई अचानक घटना है, इसमें काफी पीछे सोच विचार है और ये रशिया ने उकसाया है या ईरान दुनिया को मैसेज देना चाहता है कि रशिया के साथ हम खड़े हैं। अभी ये जो एक डिसीजन लेनी है अमेरिका को कि किस तरह इसका जवाब दिया जाए, हालात बिगड़े भी ना और साथ ही साथ मैसेज भी दिया जाए ईरान को कि ऐसी हद। अगर द्विवेदी सर, अगर ईरान इस वक्त ये मैसेज देना चाह रहा है कि वो रशिया के साथ है और वो भी 12 मिसाइलें दागने के साथ, आप ये समझिए इसका मतलब तो ये है कि कोई दिक्कत नहीं है कंट्रीज को, World War III होता है तो हर तरफ पूरी दुनिया में तबाही मचती है, तो अगर यही मैसेज देने की कोशिश है सर। बिल्कुल, देखो, इस समय जो अमेरिका की छवि बनी हुई है वो ये छवि है कि
जो बाइडेन कमजोर प्रेसिडेंट हैं और अमेरिका जो है वो हर एक जगह से पांव खिसका रहा है, चाहे वो अफगानिस्तान हो या वेस्ट एशिया हो, तो ये उसका फायदा भी उठा रहे हैं। और ये एक किस्म की जो बाइडेन और अमेरिका को चुनौती है कि देखो हम आपकी जो इस समय आप बुजदिली दिखा रहे हैं या आप एक पैसिव एटीट्यूड दिखा रहे हैं, वो उसका फायदा भी उठा रहे हैं। और साथ ही साथ वो ये भी देखेंगे कि अमेरिका की क्या रिएक्शन होती है, कि अमेरिका रिएक्ट करता है या उनका बड़ा पैसिव रिस्पॉन्स होता है, ये भी ये जानना चाहेंगे। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।